हाय, दिस इज लक्ष्मी। आज मैं आपके लिए Ole-Db कमांड ट्रांसफॉर्मेशन में डिलीट के स्टेटमेंट कैसा इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में देखेंगे। पहले ये Ole-Db कमांड ट्रांसफॉर्मेशन इंसर्ट का स्टेटमेंट का कैसा इस्तेमाल किया वो सब में, ये कैसा यूज करता है वो सब मैं प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। अभी यहाँ Ole-Db कमांड ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके कैसा एक फर्स्ट रो को कैसा डिलीट करते हैं वो मैं आज मैं आपको बताती हूँ। पहले मेरे पास स्टूडेंट डिटेल्स का डेटा टेबल है। मेरे पास स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट ब्रांच का कॉलम्स में ये पांच रोज का डेटा है। इसमें मैं पहला रो जो है उसको मैं डिलीट करने के लिए ट्राई करती हूँ, जो वो सोर्स फाइल है, जो सोर्स फाइल में क्या क्या डेटा है वो सब कैसे हम डिलीट करके कैसा हमको वो स्टे आता है SQL सर्वर में कैसा डिलीट करता है वो आप आज मैं बता दियो। पहले ये रहा, ये होता है हमारा सोर्स फाइल। तो यहाँ सोर्स फाइल में जो डेटा है वो सब डिलीट होता है वो SQL सर्वर में टेबल में। तो अभी ये फर्स्ट रो अचना यही है ना, ये रो डिलीट करना है हम यहाँ ये स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में। सो अभी उसके लिए मेरे पास न्यू SSIS पैकेज तो क्रिएट किया है, डेटा फ्लो टास्क ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। यहाँ ये डेटा फ्लो के टास्क डबल क्लिक करके यहाँ हमारा सोर्स फाइल है फ्लैट फाइल सोर्स। सो पहले हम फ्लैट फाइल कनेक्शन मैनेजर को क्रिएट कर रहे हैं, तो डबल क्लिक करके इसके बाद न्यू फ्लैट फाइल। सो यहाँ ब्राउज कर रही हूँ डिलीट स्टूडेंट का ओपन। यहाँ कॉलम्स देखा तो हमको स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम सब आया है। तो ओके और उसके बाद हमारा जो कॉमन है वो Ole-Db db कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दोनों कनेक्शन करके अभी क्या करना है, यहाँ हमें Ole-Db कनेक्शन मैनेजर को क्रिएट करना है। तो मैं पहले यहाँ Ole-Db कनेक्शन मैनेजर को क्रिएट कर रही हूँ। ऑलरेडी है, मैं वो निकाल के ओकर नया सर्वर नेम, मतलब हमारा जो डेटाबेस है उसका सर्वर नाम, कनेक्शन का सर्वर क्या, सर्वर नाम क्या है वो कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर रही हूँ। पर करने के बाद यहाँ मेरा तो SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन है, उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड दिया है, डेटाबेस सेलेक्ट करके ओके। अभी ओके डेटाबेस कनेक्शन मैनेजर हो गया। उसके बाद यहाँ वो डेटाबेस कौन सा डेटाबेस में टेबल है वो हमें सेलेक्ट करया। उसके बाद कंपोनेंट प्रॉपर्टीज, यहाँ कंपोनेंट प्रॉपर्टीज का क्या करना है, यहाँ हम वो डीबी का डिलीट स्टेटमेंट करना है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ कैसा डिलीट करना है वो हमें ये स्टेटमेंट दिया है, मतलब ये एक वैल्यू को वो पास करना होगा। तो उसका देखा अभी कॉलम मैपिंग्स को हमें ये एक पैरामीटर को कौन सा मैपिंग है कर स्टूडेंट आईडी को, तो स्टूडेंट आईडी वो पास करके वो मैच हुआ तो उसका कॉलम का डिलीट का वो रो का पर्टिकुलर रो का डिलीट करने के लिए ये रहता है। अभी ये स्टार्ट है और उसके देखो एक रो है वो रो डिलीट हो चुका होगा। तो अभी मैं ये सेलेक्ट कर रही हूँ स्टूडेंट डिटेल्स का, अभी एग्जीक्यूट किया तो देखो फर्स्ट रो वो चले गया है, मतलब हमारा जो स्टूडेंट आईडी 1 का है वो सब, क्योंकि हमारा फ्लैट फाइल में जो डेटा है जो मैच करना है स्टूडेंट आईडी का 1 वो सब रोज का डिलीट करता है। तो यहाँ Ole-Db कमांड का डिलीट स्टेटमेंट कैसा किया है वो मैं आज आपके लिए ये वीडियो में बताया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। थैंक यू।